सिलेक्शन एक ऐसी चीज़ है ना, तुम्हारी अपनी टीम होगी, मेरी अपनी टीम होगी, चीफ सेलेक्टर की अपनी टीम है। बहुत सारे लोग इवन के हम भी कह रहे हैं कि माधव सिंह को होना चाहिए था टीम में, क्या होना चाहिए था कि नहीं? जितनी ज़्यादा तनकीद हुई है उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस हुई है, बट आई स्टिल बिलीव के अबरार जो रिजर्व में गए हैं वो मेन स्क्वाड में हो सकते थे। अस्सलाम वालेकुम पाक टीवी के साथ, मैं हूं हमजा एजाज। इस वक्त हमारे साथ साबिक पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर और इस वक्त जवारी क्रिकेट क्लब के कोच मोहम्मद वसीम मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वसीम भी कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम भाई, सबसे पहले तो ये बताएं, मुल्तान में तो जवारी का है ही, अब लाहौर में क्यों आए हैं, क्या रीज़न है यहाँ? देखिए, अगर मुल्तान की आप बात करते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे दो ब्रांचेज हैं हमारी, एक सिटी में है, एक मेन ब्रांच भी है, और जिस तरीके से वहाँ पे काम चल रहा है पिछले चंद सालों से, तो साउथ पंजाब में तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी जवारी अकेडमीज की जो कंट्रीब्यूशंस हैं टुवर्ड्स क्रिकेट, बहुत से प्लेयर्स इनके फर्स्ट क्लास खेले, इवन इंटरनेशनल में भी गए, अकेडमी भी गए, तो ये मिशन लेके लाहौर में भी आए हैं जी, कि यहाँ पे ऑब्वियसली कह सकते हैं क्रिकेट के लिहाज से बड़ा एक इलाका है, एक डिफरेंट चैलेंज है यहाँ पे, लेकिन मकसद वही है कि यहाँ के बच्चों को भी ट्रेन करें, उनके उनकी यू नो उनकी ग्रोथ में, उनकी डेवलपमेंट में उनकी हेल्प करें, ताकि आगे चल के वो न सिर्फ के अकेडमी का, शहर का, बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन। चीफ सेलेक्टर आप थे तो सबसे ज़्यादा तनकीद आप पे ही हुई है, इवन कि हमने भी तनकीद की है, लेकिन उस वक्त टीम की परफॉर्मेंस बड़ी बेहतर रही है। लेकिन जवाब आपने खुद दे दिया है ना, जितनी ज़्यादा तनकीद हुई है उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस हुई है, तो आई थिंक कि मैं तो जितना भी वो कर सकता था और जो बेस्ट था अवेलेबल उस टाइम पूल और मेरिट पे काम करने की कोशिश की है, तो आई थिंक कि अच्छा टर्न आउट रहा, उसके रिजल्ट्स भी आपके सामने, ऑब्वियसली एक ट्रॉफी भी आ जाती तो और मज़ा आता, लेकिन फिर भी फाइनल खेलना, वर्ल्ड कप का, एशिया कप का फाइनल, सेमी फाइनल्स खेलना, और जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग चीज़ जो मेरे लिए एज़ चीफ सेलेक्टर थी कि हमारे दौर में बहुत से लड़के डेवलप हुए, बहुत से लड़के यंगस्टर्स को मौका मिला, और वो अब आके आपको देखते हैं तो वो गामजन है वर्ल्ड क्लास यू नो फिक्टर्स की जाने पर। जी मैं इसमें नो डाउट, लेकिन ये वही टीम है मोहम्मद, अगर देखें तो आपके दौर में भी वही टीम थी, लेकिन अब वो परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं है। बात वही है कि अभी तो वर्ल्ड कप से पहली बातें शुरू होगी ना, थोड़ा सा वेट कर लो, खेल लेते हैं, उसके बाद फिर बात होगी ना जो आई के रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा, आपके मुताबिक ये जो अभी टीम है, मतलब किस कितने मुतमिन है इससे? अच्छा देखिए, टीम सिलेक्शन एक ऐसी चीज़ है ना, तुम्हारी अपनी टीम होगी, मेरी अपनी टीम होगी, चीफ सेलेक्टर की अपनी टीम है, तो उसमें एक दो प्लेयर्स का तो ऊपर नीचे होता है, बट आई स्टिल बिलीव के अबरार जो रिजर्व में गए हैं वो मेन स्क्वाड में हो सकते थे। सिंह भाई, ये बताएं, आपने पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया हुआ है, आप एक्साइटेड भी काफ़ी हैं, तो ये बताएं यहाँ से कोई बाबर फ्यूचर का शाहीन निकल पाएगा? इधर से निकलते हैं सर सारे। अच्छा ना, कोई भी ऊपर से नहीं आता, इसी ग्रास रूट लेवल से, चाहे बाबर है, चाहे पास के हमारे लेजेंड्स हैं, इधर ही खेल के जाते हैं, और हु नोस कल के बच्चे इसमें से कौन बाबर बनेगा, कौन इंतजाम बनेगा, तो यही एक होता है सिलसिला, तो ऐसा ही है और प्रोसीजर तो यही है। तो जैसे पहले अकेडमी की बात हो रही थी, ऑब्वियसली देखिए मुल्तान में काफ़ी काम हो चुका है, जवारी अकेडमी का वहाँ पर नाम भी है, ऑब्वियसली आप यहाँ पर आए हैं तो वही चैलेंज लेके आए हैं जो आपका सवाल था, कि हमारा मकसद यही है कि यहाँ से ये लड़के आगे आएँ, ठीक है, और यही ये प्रोसीजर होता है, बाकी वर्ल्ड कप का पूछना है तो पूछ लें। अच्छा अच्छा, ये बताएं, ये बड़ा बड़ा असल में नहीं पूछ लेते, अब आपने बोल ही दिया तो मुझे मुझे ये बताएं, बहुत सारे लोग इवन के हम भी कह रहे हैं कि माधव सिंह को होना चाहिए था टीम में, क्या होना चाहिए था कि नहीं? होना चाहिए था, आप बताएं। आई थिंक उन्होंने अभी तक ओडीआई क्रिकेट कोई रीसेंटली खेली नहीं है। आप जरा सीनियर हैं, आप जरा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं ना होना चाहिए, वजह बता दें, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? Exactly. नहीं खेले हुए ना, मसला ये है कि जो भी आपके जो बेस्ट अवेलेबल लॉट होती है उसमें सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो फॉर्मेट आप खेल भी रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो दो तीन साल से वो 50 ओवर्स खेल नहीं रहे, तो अब इसी T20 और 50 ओवर्स की डिफरेंट डिमांड्स हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आई थिंक अगर वो खेल रहे होते, फिट होते 50 ओवर्स के लिए, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में कंसिडर होते। कोई एक नाम जो अभी स्क्वाड में है जो आप होते तो वो नहीं होना चाहिए था, मतलब कौन सा ऐसा जो कम्पिटिटिव टीम में फिट बैठ नहीं रहा अभी तक? अच्छा, कोई एक जो अभी जो स्क्वाड गया हुआ है उसमें फिट नहीं बैठ रहा? नहीं, ये जब सिलेक्शन का काम होता है ना, बंदा ये उस टाइम करता है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करते हैं, आपको पता था कौन अंदर है कौन बाहर है, ऐसे बाहर बैठ के, क्योंकि अब मैं सेटअप का हिस्सा नहीं हूँ, आई डोंट नो उनकी क्या, मतलब क्या चीज़ें वो देख रहे हैं, फिटनेस स्पोर्ट्स उनकी क्या आ रही है, फॉर्म को वो कैसे देख रहे हैं, आई थिंक मोस्टली आपके यही बेहतरीन लड़के हैं जो खेल रहे हैं।